देश के सुदूर और भौगोलिक रूप से मुश्किल क्षेत्रों में चुनाव संपन्न कराना एक बड़ी चुनौती होती है, जिसे चुनाव आयोग बखूबी अंजाम देता है। चुनाव आयोग का यह प्रयास होता है कि देश के लोकतंत्र के उत्सव में कोई भी वोटर छूट न जाए। भारत के अनोखे पोलिंग बूथ की कड़ी में आज आपको लिए चलते हैं एक और नए बूथ पर। हिमाचल प्रदेश के मध्य में बसा एक छोटा सा गांव सतकुठेड़ा, जो कांगड़ा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी और फतेहपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का ये गांव है। यहां पर यूनिक पोलिंग बूथ बनाया गया है। यूनिक इस लिहाज से क्योंकि सतकुठेड़ा जो है वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। बारिश के मौसम में और सर्दी के मौसम में इस गाँव के चारों तरफ पानी भर जाता है, और अगर किसी को यहाँ आना है तो 30 मिनट बोट राइड करके यानी कि नाव के ज़रिए ही आप आ सकते हैं। और जब बारिश में या फिर सर्दी के मौसम में वोटिंग होती है तो इलेक्शन कमीशन की टीम भी, पोलिंग पार्टियां भी नाव के ज़रिए ही आती हैं यहां पे मतदान संपन्न करवाने के लिए। इस वक्त स्वीप नोडल ऑफिसर कांगड़ा ज़िले के सुधीर भाटिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुधीर जी, इस पूरे ज़िले में जितने भी पोलिंग बूथ्स हैं वहाँ पर स्वीप एक्टिविटी के जरिए आप लोगों ने जिस तरीके से मतदाताओं को जागरूक किया है, और ख़ासकर सतकुठेड़ा जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद है, इस तरह के दुर्गम और दूरस्थ इलाकों के लोगों को भी कन्विंस करना कितनी बड़ी चुनौती रही। आप लोग का ये पूरा एक्सरसाइज पिछले कई महीनों से चल रहा था, उसके बारे में बताइए। जी धन्यवाद आपका यहाँ इस दुर्गम क्षेत्र में आने के लिए, ताकि जिला कांगड़ा के ऐसे जो हमारे कुछ मतदान केंद्र हैं उनके बारे में दुनिया को भी पता चल सके कि कितनी दुर्गम स्थानों पे, कितनी विषम परिस्थितियों में हम जो प्रशासन है और जो निर्वाचन विभाग है, इस सारी प्रक्रिया को हम सक्सेसफुल करने की कोशिश जद्दोजहद है जो है उसमें जुटे हुए हैं। तो ज़िला कांगड़ा प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला है, और ज़िला कांगड़ा के 15 हमारे विधानसभा क्षेत्र हैं, उनमें से 13 विधानसभा क्षेत्र जो हैं वो कांगड़ा चंबा लोकसभा जो चुनाव है उसके अंतर्गत आते हैं। तो जो हमारी स्वीप की एक्टिविटीज़ थी वो हमने पूरे जो 15 कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी वहीं पे सभी जगह चलाई थी, और जो हमारा लगभग 13,38,040 वोटर है ज़िला कांगड़ा का, उन सभी तक हमने कोशिश की थी जो यहाँ पे उपस्थित हैं, जो रहते हैं यहाँ पे, कि हम उन सभी को मतदान के महत्व के बारे में जो है जागरूक कर सके। तो इसके लिए जो हमारा प्रदेश का निर्वाचन विभाग है उन्होंने एक मिशन लॉन्च किया था, मिशन 414, जिसमें ये तय किया गया था कि जिन मतदान केंद्रों पर 60% से कम जहां पे पोलिंग हुई है, क्योंकि हमारी पिछली बार जो चुनाव हुए थे उसमें 72% के करीब मतदान हुआ था, तो ये स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया था, एक मिशन रखा गया कि 414 हमारे जो पोलिंग स्टेशंस हैं जहाँ पे 60% से जो कम मतदान हुआ है वहाँ पे हम स्पेशल इंटरवेंशंस करके उस मतदान की प्रतिशत को जो प्रदेश का एवरेज औसत मतदान प्रतिशत रहता है उसके आसपास या उसके ऊपर लेके जाएं। इसी के साथ एक और उसी में हमने तय किया था कि टर्निंग 22x72, वो भी इसी तरह से था कि जहाँ पे बहुत ही कम मतदान हुआ है उनमें भी हम टारगेटेड इंटरवेंशंस करके जो मतदान प्रतिशत है उसको बढ़ा सकें, तथा साथ में कुछ एक ऐसे मतदान केंद्र थे जहाँ पे जो फीमेल वोटर्स थे उनका टर्नआउट जो था वो बहुत कम रहा था। तो इस तरह से अलग अलग तरीके हमने अपनाए हैं, कन्वेंशनल तरीके भी अपनाए हैं, जिस तरह से हमने जैसे इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स हैं उनको एक्टिवेट किया, विलेज जो फोरम्स होते हैं विलेज लेवल पे जो इलेक्शन जो ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते हैं उनके साथ हमने कोऑर्डिनेट किया, हमारे सभी जो सब डिविज़न्स हैं उन सभी सब डिविज़न लेवल के जो ऑफिसर्स थे उनको उनके साथ मिलकर जो सब डिवीज़न लेवल पे जो हमारा स्वीप का एक नोडल ऑफिसर बनाया गया और उनको बताया गया कि आप लोगों ने जो टारगेटेड इंटरवेंशन है उनके साथ साथ नए तरीके भी अपनाने हैं। जैसे हमारे ज़िला में लगभग 36,063 जो वोटर हैं वो फर्स्ट टाइम वोट करेंगे इन चुनावों में,
तो वो भी हमारे मन में है कि वो सभी जो युवा हैं वो आके वोट करें, ताकि जो हमारा लोकतंत्र है वो जो आने वाली युवा पीढ़ी है उस लोकतंत्र के महत्व को समझे। लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा चुनाव 2024 का अंतिम और आखिरी चरण का मतदान चल रहा है। इस वक्त हमारी मौजूदगी हिमाचल प्रदेश के एक बहुत ही अनोखे गांव सत कुठेड़ा गांव में है, जहां पर यूनिक पोलिंग बूथ सेटअप किया गया है। मेरे साथ मोनू है, जो कि फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। आइए इनसे जानते हैं इनका पहली बार मतदान करने का कैसा अनुभव रहा। मोनू, बहुत अच्छा लग रहा है। और भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश में वोट डालने का अधिकार होता है। जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो उन्हें वोट डालने का अधिकार प्राप्त होता है। वह किसी भी धर्म किसी आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। सभी को वोट डालने का अधिकार है, किसी के दबाव में वोट नहीं डाल सकते, उन्हें अपनी ही इच्छा के अनुसार वोट दे सकते हैं। इस वोट की इम्पोर्टेंस को, इसके महत्व को समझते हैं, कितना ज़रूरी है वोट डालना? बहुत ज़रूरी है हमें वोट डालना ना, हम घर का काम छोड़ कर आए हैं तो हमें वोट डालना है। क्या पहली बार वोट डाल रहे हैं? दूसरी बार वोट डाल रहे हैं। पहली बार कहाँ डाला? नहीं, तो आपको कैसा लगता है यहाँ पर वोट डाल के? अच्छा लगता है, वोट डालना हमारा अधिकार है, हमें वोट डालना अच्छा लगता है। मुझे खुद ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर एक त्यौहार, लोकतंत्र का जो पर्व है वो मनाया जा रहा है, और उस पर्व के भागीदार हम सभी हैं। इस देश के लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि जब लोकतंत्र का महापर्व होता है तो 18 साल का एक युवा जो पहली बार वोट कास्ट करता है, जितना उत्साहित होता है उतना ही उत्साह इस देश के 100 साल के बुजुर्ग में भी है। करीब 100 साल इनकी उम्र है, वोट कास्ट करने आए थे। बियल्लो साहब ने हमें बताया कि इनसे कहा गया कि आपके घर आके हम वोट कास्ट करवा देंगे, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने ये व्यवस्था की हुई है कि जो बुजुर्ग हैं या जो दिव्यांग हैं उनके घर जाके वोट कास्ट कराया जाए। लेकिन बाबा जी ने कहा नहीं, मैं जाके खुद वोट डालूंगा। आपका नाम क्या है सबसे पहले ये बताइए। मेरा नाम मिनकू। मिनकू, हाँ जी। आपने वोट डाल दिया, दिखाइए। वोट डालने के बाद कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। निर्वाचन आयोग ये सुनिश्चित कर रहा है कि देश का एक भी वोट जो है वो छूट ना जाए, लोकतंत्र का ये जो महापर्व है इसमें कहीं कोई कमी ना रह जाए। देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में चुनाव आयोग की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, और यही व्यवस्था हमारे देश में लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करती है। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।